सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर उसी महात्मा की चर्चा करेंगे जिनका 150वां साल चल रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है, मनाया जा रहा है। धूमधाम एक अपनी जगह है, लेकिन महात्मा का काम और उनकी कार्यशैली अपनी जगह है और उसकी चर्चा जरूरी है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है कि समाज के, इसी समाज के और हमारे आपके बीच की अच्छाइयों को समेट के उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने से ले के एक अल्टरनेट पूरी दुनिया को देने की कोशिश की, भारत को एक बनाने की कोशिश की, भारत की जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश की, दुनिया की जो बड़ी बुराइयां हैं उनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ने की कोशिश की, 3 महादेशों में डायरेक्ट खुद ही लड़े। तो इस सिलसिले में मैं आज एक कहानी आपको उनके उस पहलू की कहना चाहता हूँ जो आम तौर पे चर्चा में अलग से नहीं आता, और ये पहलू है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में औरतों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की और औरतों की भागीदारी बढ़ाने की, हमारे समाज में औरतों की भागीदारी बढ़ाने की। और ये काम किस तरह से जादू की तरह उन्होंने किया ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य आज लगेगा, लेकिन उन्होंने सचमुच जादू की तरह किया। कहानी का प्रसंग चंपारण से ही शुरू होगा, जहाँ गांधी ने अपना पहला प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में भी जब वो कोशिश कर रहे थे अलग अलग चीज़ों पे आंदोलन करने की, हालांकि वहाँ के स्थानीय समाज नहीं था, वहाँ सिर्फ जो बाहर से गए हिंदुस्तानी थे उनको ही गांधी ने संगठित किया था, लेकिन काफ़ी चीज़ों की बुनियाद वहाँ पड़ गई थी। हिंदुस्तान में अपना पहला आंदोलन जब गांधी ने शुरू किया 1917 में चंपारण गए, तो ये कहानी राजन बाबू ने बताई है कि वो लोग जब जा रहे थे पहले ही जगह जहाँ नीलों के अत्याचार की कहानी थी, वहाँ वो गांधी जा रहे थे हाथी पे चढ़ के 3 लोगों के साथ। तब चंपारण में सड़कें नहीं थी अच्छी और सवारी में हाथी और घोड़ा काफ़ी इस्तेमाल होता था, तो हाथी पे चढ़ के जब वो जा रहे थे तो उस समय सुबह के समय औरतें निकली होंगी शौच वगैरह के लिए घर से बाहर और खेतों में, तो गांधी उनको देख के अंदर से काफ़ी विचलित हुए और आपस में वो लोग यही बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में औरतों के साथ क्या दिक्कत है। गांधी का ये मानना था कि जब तक हिंदुस्तान की औरतें पर्दे से बाहर नहीं निकलेंगी और हर काम में बराबर की भागीदारी नहीं करेंगी, हम गुलामी से भले मुक्त हो जाएं, लेकिन हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हमारे सारे कामों में ये कोशिश करनी चाहिए कि औरतों को आगे ले आएं। उसी में फिर बात जब पर्दे पे आई तो गांधी ने ये भी कहा कि मैं पर्दा के खिलाफ हूँ लेकिन बेपर्दगी के पक्ष में नहीं हूँ। जिस तरह से पश्चिमी समाज ने औरतों की भागीदारी बढ़ा के काफ़ी तरक्की की है, लेकिन वहाँ के औरतों में बेपर्दगी है, नंगापन है, हमारी औरतों में नंगापन नहीं आना चाहिए। वो बाहर आएँ पर्दे के काम करें, लेकिन नंगापन हमारे यहाँ नहीं चलना चाहिए। संजोग से तभी उनको वो ऑर्डर मिला जिसमें उनको जिला छोड़ने को कहा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि गांधी चंपारण में जैसे काम शुरू करते हैं सबसे पहले वो कस्तूरबा को लेके आते हैं वहाँ, क्योंकि औरतों से बात करना, चंपारण की औरतों से बात करना बहुत ही मुश्किल था। गांधी खुद भी नहीं कर सकते थे या कोई मेल मेंबर उस समय उनके साथ का कोई भी पुरुष जाके औरतों के साथ बात करने में, ये पर्दा भी था और ये तब का चलन जैसा भी था। तो गांधी ने पहले कस्तूरबा को बुलाया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के कई ऐसे समाज सुधार केंद्रों से जो औरतें थीं उनको लेके आए, फिर उसी में महादेव देसाई की पत्नी आई, उसमें नरहरि पारेख की पत्नी आई, फिर बिहार के भी कई लोगों की, धरणी बाबू की पत्नी जो सबसे पहले उनके साथ गए थे, धरणीधर प्रसाद, फिर ब्रजकिशोर प्रसाद की पत्नी आई, इन सब ने मिलजुल के वहाँ औरतों के बीच काम करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि आधी आबादी की समस्या आधी नहीं है, आधी से ज़्यादा है, क्योंकि औरतों के साथ उनके जो उनका अपने शरीर की बनावट है और ख़ास तौर से जब बच्चे पैदा करने और पालने वाला दौर होता है उस समय औरतों के साथ साफ सफाई से लेके बाकी सारी परेशानियां कुछ ज़्यादा ही होती हैं और लोगों से, उनके स्वास्थ्य की हाइजीन की समस्या ज़्यादा होती है। तो गांधी ने उसको फोकस किया और इन औरतों के माध्यम से काफ़ी काम किया।
चंपारण में और बिहार में इस बात का एहसास शुरू हुआ कि औरतें हमारे यहाँ क्यों नहीं निकलती हैं और क्यों नहीं निकली हैं और बाहर से ले आके हमारे यहाँ काम करना पड़ता है, ये शर्म कहीं बिहार के लोगों ने महसूस किया होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने अपनी बेटी को गांधी के आश्रम में भेजा, प्रभावती को, जिनकी शादी बाद में जयप्रकाश जी से हुई, और अपनी पत्नी को लेके आए, उनसे खादी का काम कराया, सब लोग लगे रहे। और फिर हमने देखा है कि 21 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उस समय गांधी ने औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का बहुत ही जादुई फार्मूला दिया। वो फार्मूला ये था कि पिकेटिंग अगर होगी विदेशी कपड़ों के दुकान के सामने, शराब की दुकान के सामने या विदेशी सामानों के सामान के दुकान के सामने, तो औरतों की हिस्सेदारी उसमें काफ़ी होगी। उसके बड़े रोचक किस्से हैं कि ऐसी ऐसी औरतें निकल के आईं जो पति का नाम नहीं ले सकती थी, अपने ससुर का नाम नहीं ले सकती थी, उनको मोहल्ले का ठीक पता नहीं था अपना, लोग कोई ले आके वहाँ उनको बैठा जाता था, फिर वो उठ के घर चली जाती थी। लेकिन ऐसे ही करके औरतों की भागीदारी इतने बड़े पैमाने पर हुई कि हम देखते हैं कि 21 के आंदोलन में, 31 के आंदोलन में, 42 के आंदोलन में औरतों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की और इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आंदोलनों में कि उनकी गिरफ्तारी की संख्या आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में किसी आंदोलन में, पॉलिटिकल आंदोलन में गिरफ्तार औरतों की संख्या से ज़्यादा है। उतनी औरतें कहीं भागीदारी करने नहीं निकली हैं, उतनी औरतों ने कहीं गिरफ्तारी नहीं दी है। तो ये गांधी ने जादू से किया। और इस जादू का जो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो सबसे दिलचस्प किस्सा गया अधिवेशन का है, जो चंपारण सत्याग्रह के ठीक 5 साल बाद का है। 22 में गया में अधिवेशन हुआ था। उन दिनों कांग्रेस का चलन ये था कि महिला डेलीगेट्स अगर आती हैं, तो महिला डेलीगेट्स आने लगी थी कांग्रेस में, क्योंकि एनी बेसेंट जैसी लीडर थी हमारे यहाँ, जो अध्यक्ष भी बनी सबसे पहले, तो एनी बेसेंट वगैरह की कोशिश से, सरोजनी उस समय एक्टिव हो गई थी, इन सब लोगों के कोशिशों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में मिलने लगा था, खासतौर से लीडरशिप में। तो अधिवेशनों में भी औरतों की भागीदारी होती थी और उस भागीदारी में ये एक डिवीज़न रहता था, अधिवेशन का जो पंडाल लगता था उस पंडाल में एक हिस्सा, छोटा हिस्सा पर्दे से, जो जिसका मंच की तरफ तो मुंह खुलता था लेकिन डेलीगेट्स की तरफ से पर्दा लगा दिया जाता था, तो एक जनाना एक मर्दाना वार्ड हो जाता था पूरी तरह से, औरतें इस तरफ रहती थी। गया अधिवेशन के पहले दिन ही औरतों ने उस पर्दे को दाएं बाएं करना शुरू किया, कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ से वहाँ जा रहा है, और दूसरे दिन उन्होंने वो पर्दा नोच के गिरा दिया और कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह का विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी वैसे ही हैं और हम भी बराबर हैं और वो हमारे साथी हैं, हमको उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं है। तो 5 साल में इस आदमी ने क्या चमत्कार कर दिया। इस समाज का ही हिस्सा है, इसी समाज का पिछड़ापन था, इसी समाज की एक बुराई थी, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हो सारे देश से ये बुराई, लेकिन एक जादू की तरह से देश से पर्दा प्रथा बिलाना और औरतों का आंदोलन में भागीदारी करना, चरखा के माध्यम से, चरखा के सूत काटने में निश्चित रूप से औरतों की हिस्सेदारी 70-80% तक थी। बुनाई में मर्द ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन खादी के पूरे आंदोलन में सूत काटने वाली कतीने ही थी और सबसे बारीक और बढ़िया सूत वो काटती थी। फिर ये पिकेटिंग का जो आंदोलन हुआ, इसमें भी औरतों की हिस्सेदारी आधे से ऊपर रही, और बाद में जब डंडा खाना पड़ा, जब लाठी खानी पड़ी, जब जेल जाना पड़ा, तो उसमें कोई औरत पीछे नहीं हुई। जबकि गांधी ने बहुत साफ नियम बनाए थे कि जो लड़कोरी औरत हो या गर्भवती औरत हो, उस दौर में वो आंदोलन में हिस्सेदारी ना करे, क्योंकि हो सकता है कि डंडा खाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो उसके बच्चे को या होने वाले बच्चे को दिक्कत होगी। तो ऐसे औरतों की भागीदारी मना करके रोकने के बाद भी जितनी हिस्सेदारी हमारी औरतों की तरफ से हुई, और वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है। एक हमारी सीनियर थी हिस्ट्री की, जो पुराने समय में लेफ्ट से काफ़ी प्रभावित थी, तो उन्होंने गांधी पर अध्ययन शुरू किया ये सोच के कि गांधी ने किस तरह से कस्तूरबा का और औरतों का, आजकल एक फैशन है कि कस्तूरबा पे उपन्यास लिखो जिसमें फेमिनिस्ट एंगल से उनको ये बताने की कोशिश करो कि गांधी ने कस्तूरबा का बड़ा शोषण किया और गांधी तो मेल शोविनिस्ट थे। तो उस महिला ने भी ये रिसर्च शुरू किया,
लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गांधी को पढ़ना शुरू किया तो वो सचमुच फूट फूट के रोती रही, क्योंकि उसको लगा कि हमारी धारणा कितनी ख़राब थी और हमने कैसे ये धारणा बना ली कि गांधी औरत विरोधी हैं, कि इस आदमी में तो कहीं से भी एक रत्ती दोष औरतों के सवाल पे नहीं दिखाई देता, और औरतों को आगे बढ़ाने में उसने जो काम किया है वो अपने आप में दुनिया में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसे थे हमारे गांधी, और ऐसे चुटकी बजा के उन्होंने हमारी समस्याओं को ख़त्म किया और मुल्क आधे मुल्क को आंदोलन में भागीदार बनाया, समाज निर्माण में भागीदार बनाया, बाकी गतिविधियों में भी भागीदार बनाया। तो आज जो हम औरतों की स्थिति मुल्क में देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान गांधी का ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।